हत्या करने की जो कोशिश हुई उनको इतनी मार लगी है कि जवान नहीं निकल रहा, उनके दर्जनों नेता और कार्यकर्ताओं के सर फटे हैं। इस तरह की बर्बरता ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होती है। नीतीश कुमार जी का जो विरोध करता है उनको या तो जेल भेजते हैं या उनको मारने की कोशिश करते हैं, विरोध दबाने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल की जो सरकार है वो जनतंत्र विरोधी सरकार है और वो लाठी और डंडे के बल पर और शासन के बल पर विरोध को दबाना चाहते हैं। इसके खिलाफ में पूरा विपक्ष जी जी शांतिपूर्ण रहेगा और हम लोगों का बंद सफल है। और परसों जो पटना में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हत्या करने की साजिश के तहत जो उनकी पिटाई की गई उसी के तहत आज महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार का बंद का ऐलान किया गया है। उसी के कड़ी में आज हम लोग मुजफ्फरपुर में बंद का आह्वान किए हैं और बंद में हम लोग लगे हुए हैं। भैया एक मिनट है भैया। कारण है जिस तरीके से दामनकारी सरकार, लाठी गोली डंडे की सरकार हमेशा जैसे कि जो भी राजनीति जो भी लोग जा रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं उसकी आंदोलन को कुचलने के लिए, उसकी बात को नहीं सुनने के लिए जिस तरीके से लाठी चलाया जा रहा है, उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है इसी को लेकर के पूरे मुजफ्फरपुर जिला समेत पूरे प्रदेश में जैसे बंदी किया गया है। और ये बंदी महागठबंधन के अलावा आम आवाहन और जनता ने जैसे कि खुल करके समर्थन दिया है और केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार की सरकार नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं को मरवाने की कोशिश कर रही है, पिछवाने की कोशिश कर रही है, गलत केसों में फंसाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लोग घबराए हैं। जनता उनके कुकर्मों, उनके भ्रष्टाचार और उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर है आज इस। और जब लोग सड़कों पर आते हैं, जनता सड़कों पर आती है तो उनको पीटा जाता है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को जिस तरह पीटा गया वो निंदनीय है। और आज पूरे बिहार के लोग और बिहार की और राष्ट्रीय जनता दल इस रालोसपा के बंद को पूरी तरह समर्थन करता है। और हम और उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह अत्याचार हुआ इस अत्याचार का हम विरोध करते हैं। और जिस नमस्कार, मैं हूं रवि किशन, आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर। देखते रहिए सारी खबरों के लिए मुजफ्फरपुर लाइव, आपके दिल में आपकी आंखों में।